आपने क्वेश्चन बड़े सिस्टमेटिकली पूछा है, अच्छी बात है, टीचर की क्वालिटी है। इन्होंने की है इंग्लिश ऑनर की है, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, और इलेक्टिव इंग्लिश है, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन है। अब हिस्ट्री एक है आपका, एसएसटी नहीं बन रहा पूरा, आप पंजाब या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हो तो एसएसटी की सोच सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या है? आई वांट विच सब्जेक्ट हो, माई मेजर है, माइनर कौन है। सिंपली आपका अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में है तो 100% आपका इंग्लिश ऑनर, लेकिन इंग्लिश जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे ही नहीं रही, पंजाबी और पंजाब के ही हो गए। आपने कोई यूनिवर्सिटी बतानी चाहिए थी, तो आप मेजर इंग्लिश लो। आपका क्वेश्चन है कि सर कैन आई ऑप्ट इंग्लिश एज मेजर एंड एसएसटी एज माइनर गिविंग एडिशनल एग्जाम ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया पॉलिटिकल साइंस का एडिशनल एग्जाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, मेजर करने से ये बात, इस बात को समझ लीजिए, फर्क क्या पड़ेगा आपकी जॉब में। टीजीटी के क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ये एडिशनल कर लेते हो तो आप टीजीटी के लिए यहाँ भी एलिजिबल हो गए हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। इंग्लिश के लिए तो 100% टीजीटी के लिए एलिजिबल ही हो, एमए तो इंग्लिश नहीं की। हाँ, अगर की है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। जब एसएसटी फिल करोगे तो एसएसटी सभी कॉलेजेस में है, सभी कॉलेज में होने के कारण आपको नज़दीक जहाँ जो फैसिलिटेट कर रहा है आपको कॉलेज, वो आप प्रेफर कर सकते हो। इंग्लिश जो है वो हो सकता है सभी कॉलेज में ना हो एज मेजर सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। अदरवाइज इसको मेजर लो या इसको मेजर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल पेपर देना ही पड़ना है। तो इसलिए क्योंकि आपको कॉलेज नज़दीक और कम फीस वाला जो भी फैसिलिटेशन आप चाहते हो वो मिल जाए, दैट इज़ वाई एसएसटी के साथ वो ज़्यादा पॉसिबल है। अदरवाइज आप कोई भी ले लो, नहीं फर्क पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है, सम कॉलेज सजेस्ट मी टू ऑप्ट एसएसटी एज ए मेजर एंड इंग्लिश एज माइनर सब्जेक्ट वाइल गिविंग एडिशनल एग्जाम ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फ्यूचर, कैन आई ऑप्ट अकॉर्डिंग टू दिस, इज दिस मीन सेम एज हैविंग इंग्लिश एंड मेजर। सेम है, बिल्कुल नहीं। सर प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट ऑप्शन एंड दीज ऑप्शन सिमिलर मीनिंग। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में ये बातें सारी हो चुकी हैं, आगे चलते हैं। सर मैंने बीए हिंदी से किया हुआ है, मैंने रिप्लाई वैसे इनका कर दिया है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछना है ना आपने, तो आपको ये बताना है तीसरा सब्जेक्ट भी कौन सा है, आपने बताया नहीं। बीए हिंदी बोला है और कंप्यूटर साइंस बोला है, और ये पूछा है कि मेजर कौन सा है। मेजर यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस है, माइनर हिंदी है, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है ये नहीं बताया आपने। नेक्स्ट है, प्लीज सर टेल। सर मैं पीओपी बीए की है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये हो गया, एसएसटी आपका बन गया, और मेजर सब्जेक्ट मेजर लिख दिया यहाँ पर, फिजिकल एजुकेशन आपका माइनर बन रहा है, माइनर ओके। दूसरा आपका यही बन रहा है कि इस, अगर ये दोनों करते हो एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन, तो आपको कोई भी एडिशनल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सीधे एलिजिबल हो। अगर एसएसटी के साथ पंजाबी लेते हो तो पंजाबी जनरल पड़ी है, आपको इलेक्टिव पंजाबी का पेपर देने पड़ेगा, एडिशनल का 3 साल का 2 सेमेस्टर में होगा, उसके वीडियो डाल दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश अगर सेम करते हो एसएसटी एंड इंग्लिश, तो सेम एडिशनल देना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर रीड मोर में क्लिक कर लेते हैं। सर मैं बीएड करनी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो एसएसटी नाल पंजाबी लवा कि मैनू पंजाबी का एडिशनल देना पड़ेगा? यस, पैना है पंजाबी का, तुसी लिखा है। कारण ये है पंजाबी लेना ज़्यादा वधिया इसलिए है, फिजिकल एजुकेशन दी पोस्ट बहुत घट होंदिया हन, एसएसटी दियाँ ते पंजाबी दियाँ ज़्यादा होंदिया हन। नैक्सट है क्वेश्चन साढ़े कोल, सर मैं मेजर पॉलिटिकल साइंस रखा है, माइनर मेरा इंग्लिश है, मैनू एडिशनल पेपर देना पड़ेगा? देखो मेजर तुसी करना की चाहते हो ये नहीं दस्या, मेजर तुहाडा है पॉलिटिकल साइंस, ओके है। जे तुसी एसएसटी दे बनना चाहते हो बीएड करन तो बाद तुहानू एडिशनल एसएसटी दा देना पड़ेगा। जेकर तुसी माइनर इंग्लिश लिया है, तुसी इलेक्टिव इंग्लिश, मेरा इलेक्टिव इंग्लिश है, हाँ इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, तुहानू इहदा एडिशनल जिहड़ा है कांटा लगा नहीं देना पड़ेगा। सो इहदा देना पै सकता है जे तुसी चाहते हो, ठीक। इस तो पहला पॉलिटिकल साइंस नैचुरली तुसी तुहाडे कोल दूसरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं होएगा, पहला होएगा बीए का एडिशनल, तुहाडा फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ही देना है,
हिस्टरी का दे के फिर तुम एस एस टी का दे सकते हो। तो इस तरह दो ये जे एस एस टी एलीजिबल बनना है देने पैणगे, अदरवाइज़ ये इलैक्टिव इंग्लिश पढ़ी है तो कोई ग्रेजुएशन इलैक्टिव इंग्लिश है, पोलीटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है नाल की है। हूँ एस एस टी एंड इंग्लिश बी एड सिलेक्ट लिता है सर, आई वॉन्ट टू नो मैनू अडिशनल एस एस टी सबजैक्ट केड़ा सिलेक्ट करना चाहिए है जैसे स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तुहानू पोलीटिकल साइंस है 100% हिस्टरी ही करना चाहिए है। हिस्टरी ने नाल तुसी सी बी एस ई दे स्कूल्स विच केंद्रीय विद्यालय विच नवोदय विद्यालय विच होर जिहड़े सी बी एस ई दे ईवन प्राइवेट स्कूल ने उन्हां विच एलिजिबिलिटी गेन कर लोगे हिस्टरी दे नाल ही। दूसरा है तुहानू पैडागोजी ऑफ इस तो बाद देना पएगा, एस एस टी बी एड तो बाद देना है तुसी वो ठीक। ये तुहाडा हो गया इलैक्टिव इंग्लिश का है, इंग्लिश लिया है, कोई भी अडिशनल इदा नहीं देना पएगा। गवर्नमेंट जॉब लिए इतने सीधे एलीजिबल हो। फिजिकल एजुकेशन लेंदे हो तो तुहानू कोई भी अडिशनल नहीं देना, टी जी टी लिए तुसी गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो। हुण तुहाडा क्योंकि तुसी एस एस टी लै चुके हो, नहीं कि यूनिवर्सिटी है ये नहीं दस्या तुसी, एस एस टी सबजैक्ट किहड़ा चाहिए है। हाँ हुण जे तुसी नैचुरली क्योंकि जे तो तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी दे पंजाब यूनिवर्सिटी च हो तो इहदी जगह तुहानू एस एस टी मिल जाएगा, क्यों फिर ए तुहानू अडिशनल बाद विच नहीं देना पएगा, पर नाल नाल जां बाद विच बी एड दे तुहानू हिस्टरी देना पै सकता है। इस दीआं पोस्टां ज़्यादा निकलदियां हन, ज़्यादा पोस्टां एस एस टी दीआं निकलदियां हन ओके, और इंग्लिश दीआं निकलदियां इहनां दे विचों। इट मीनस तुहानू फिजिकल एजुकेशन दीआं बहुत घट हुंदियां हन, एस एस टी ते इंग्लिश नूं चूज़ करना चाहीदा है जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन मेन सी उहदे अकॉर्डिंगली। नैक्सट है सर मैथ इलैक्टिव इंग्लिश मेरा मेजर सबजैक्ट है, एक किन्ना कदों दा है सत्त मैथ चूज़ करिया है पी एस टेट भी, क्या मैथ एंड साइंस का कॉम्बीनेशन लेना होगा पर साइंस टेंथ के बाद नहीं पढ़ी प्लीज़। सर हाँ जी जे तुसी मैथ साइंस दा लिया है तुहानू मैथ ते साइंस दे यही 60 मैथ साइंस वाले 60 क्वेश्चन ऑप्ट करने पैणगे। दूसरे सोशल साइंस दे आ ऑप्ट तुसी ये भी कर सकते हो एस एस टी वाले भी 60 क्वेश्चन, पर तुहाडी मास्टरी किहना च ज़्यादा है ए वाली स्ट्रीम च कि स्टेट चूज़ करना पैना है। सो तुहानू मेरे ख्याल मैथ पढ़िया है, साइंस थोड़ी पढ़नी पएगी, कोई गल नहीं हो जाता है। मेरे ख्याल 10-15 क्वेश्चन के करीब जिहड़े साइंस दे आणगे वो तुसी कर सकते हो, इन्ना इन्ने मतलब वीक नहीं हो तुसी, ना ही वीक इन्ना समझना है। सर ग्रेजुएशन विच हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस इलैक्टिव इंग्लिश मेजर माइनर किहड़ा होएगा? मेरे ख्याल उत्तर मैं दे दिता है, ये होएगा हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस एस एस टी मेजर बनेगा और इंग्लिश तुहाडा माइनर बनेगा, दोनों ही टी जी टी लिए एलीजिबल बन रहे हो तुसी। मनप्रीत कौर जी पूछ रहे हैं सर बी ए सबजैक्ट इलैक्टिव पंजाबी इकनोमिक्स हिस्टरी की है, इकनोमिक्स हिस्टरी दे नाल तुहाडी एस एस टी बन गई है किसी भी यूनिवर्सिटी होवे नाल माइनर पंजाबी है, दोनों लिए तुसी एलीजिबल हो। बाद विच मैं एम ए मैथ्स दे 6 सैम दे अडिशनल पेपर दिते हैं, काइंडली इन्हों मैं कमेंट भी किया सी, मेरे नाल फोन ते गल जरूर कर लैन क्योंकि मैं इन्हों तो जो पूछना है कि अडिशनल पेपर किस तरह दिता है, तो क्योंकि मैथ का कोई पेपर नहीं दिता इन्होंने, क्या है मैं 1st, 3rd, 5th का मेरा रिजल्ट आ चुका है और 2nd, 4th और 6th का जो है ना उहदा रिजल्ट पेंडिंग है। सो ये जानकारी मैं तुहाडे तो लैना चाहना है, जे तुसी चाहो तो मैनू मैसेज करके दस सकते हो जां दस सकते हो 2 मिनट गल कर सकते हो। सो तुहाडा ये मैथ दा तुसी कर लिया है ऑलरेडी, तुहाडा एस एस टी ते इलैक्टिव पंजाबी दा बन रहा है, इसका भी टी जी टी क्लीयर है, तुहाडा इहदा भी टी जी टी क्लीयर है और मैथ दा कर लिया है। मैथ दे करन तो बाद बी एड तो बाद तुहानू क्योंकि इन्ना जोर ला के ये कीता है बी एड दा पैडागोजी ऑफ मैथ दा करना चाहिए है, मैथेमैटिक्स पैडागोजी ऑफ मैथ। इन्हों का क्वेश्चन है सर उन सब्जेक्ट पर वीडियो बनाओ और जिनका पी जी टी के लिए एडिशनल ना देना पड़े, मैं पूरी समझा तो नहीं बात, जो नॉन इंटेग्रेटेड सब्जेक्ट है ना, नॉन इंटेग्रेटेड वो कौन से सब्जेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल दो ही सब्जेक्ट इंटेग्रेटेड है, एक तो साइंस एस एस टी और दूसरा साइंस है ना, ये टी जी टी के लिए ही होगा क्योंकि अगर इनमें से पी जी टी बनना है तो सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आपको चूज़ करनी होगी जिसका पी जी टी पी जी करना होगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे ही साइंस की है। अगर फिजिकल साइंस के लिए जाना है तो केमिस्ट्री फिजिक्स इनका करना पड़ेगा और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं लैंग्वेज क्यों प्रेफर करता हूँ, लैंग्वेज आप करते हो टी जी टी के लिए एलिजिबल है अगर उसकी एम ए की हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो साथ में ही आप पी जी टी के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो आपने कहा है जिनका पी जी टी के लिए एडिशनल ना देना पड़े,
ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई। देखो पीजीटी के लिए करना है आपको एडिशनल, जो आपने ग्रेजुएशन में अगर पढ़े हुए हैं तो, और उनकी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। चलो आप दोबारा मुझे समझाना, मेरे को समझ नहीं आया, माफ़ी मांगता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। सर ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने अपलोड होंगे? कितने भी नहीं अपलोड होने, क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। सर जी टोटल ग्रेजुएशन के मार्क्स तो हूँ जोड़ा फॉर्म है तो रिजल्ट आया है जी, तुम उस फॉर्म में उत्थे होने हैं, तुम आई डी पासवर्ड फिल करके जिथे ग्रेजुएशन के मार्क्स ने जिथे आप प्लस टू के टेंथ के भरे से उत्थे आएंगे। सर जी टोटल फीस 2 ईयर की है 1,10,000। किसी ने रिप्लाई किया है 80 तक तो सारे कॉलेज कराते हैं। सो ये एक वेरिएशन मिल रही है। देखो ये अंख चो हंजू टपक रहा है, हंजू का मतलब है मैं रो रहा हाँ, क्योंकि इन्हों की 80,000 फीस इन्हों का सर रहा है सर जी ने, थैंक यू। और इन्हों का 1,10,000 एक लड़की ने 1,40,000 दिते हुए ने, और उसके कॉलेज वाले फोन नहीं चक रहे कि उन्होंने शायद कुछ करैक्शन करवानी है शायद, है ना। एक दो फोन आए हैं कि 5,000 मेरे तो ले लिया, किसी का 10,000 ले लिया, कॉलेज हूँ वापस नहीं करता। याद रखो तुसी एक किसी भी हालत कोई भी तुहाड़ी फीस नहीं रख सकता। जो यूनिवर्सिटी तो अलॉटमेंट स्लिप मिलेगी उसे नू ही सीट उत्थे मिलनी है, बाकी दे जिहड़े एडजस्ट इन्होंने करने हैं थर्ड काउंसलिंग करेंगे। जेकर थर्ड काउंसलिंग अलाउ यूनिवर्सिटी ने ना किया रजिस्ट्रेशन वाले उन्हों का कुछ नहीं होना। सो थ्रू यूनिवर्सिटी आओ, कॉलेज की नॉर्मली करते हैं कि अपना ही कॉलेज फिर फिल करते हैं, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो फिल करते हैं। तुम्हें क्या है मैं इतने फीस सीट लेनी है, उन्होंने एक ही कॉलेज फिल किया है ना, जो उत्थे मिल जाती है नहीं मिलती है तो फिर थोड़ी कुछ होंदा है हलचल, थर्ड सेम विच जाके थर्ड काउंसलिंग जाके ठीक होंदा है। पर तुहाडा कोई 1 रुपया भी नहीं रख सकता, सच्ची गल तो यह है। तुम अपना इन्ने कमज़ोर ना बनो कि अच्छा सर प्राइवेट कॉलेज तो भी विदाउट एंट्रेंस टेस्ट कौन एडमिशन दे रहे हैं? नहीं इस तरह नहीं हो सकता कि प्राइवेट कॉलेज तो अभी भी विदाउट एंट्रेंस, वो मैनेजमेंट कोटे में ले रहे होंगे, आपकी ज़्यादा फीस लगेगी। अगर नहीं भी ले रहे नॉर्मल में, आपको पूछिए उनको कि मैनेजमेंट कोटा में है या जनरल में है। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया तो मैनेजमेंट कोटा में वो कर सकते हैं, वो कॉलेज बिल्कुल ठीक है, वो कोई गलती नहीं कर रहे। सर SST मेजर सब्जेक्ट रखा है बट ग्रेजुएशन कल्ली पॉलिटिकल साइंस दी है, मैनू हिस्ट्री दे एडिशनल पेपर सिर्फ ग्रेजुएशन दे देने पैणगे BEd दे भी? नहीं जी सर जी, जे तुसी ये जड़ा है सब्जेक्ट मेजर तुसी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन कल्ली पॉलिटिकल साइंस की है, SST मेजर सब्जेक्ट किया है ना, SST तुसी कर लिया है BEd दे विच, हुण नहीं देना पैना जे BEd च कर लिया है। दूसरा है तुसी बिल्कुल सारे उत्तर तुसी आप देते हैं, हिस्ट्री का ही करना पैना है, बिल्कुल हिस्ट्री का ही करियो, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है सर साडा 6th सेम का रिजल्ट अजे तक नहीं आया PUP का, फिर ये मैं पहला भी गल की है, वेट करनी पेगी, अदरवाइज सैकेंड काउंसलिंग तुहानू जाना पेगा। 1 लख रो रहे हैं, देखो हंजू एक चो आ रहा, दूसरे चो नहीं आ रहा मेरे ख्याल ए सॉरी कितने है एडिशनल पेपर दे 10,000 के ओके जनरल की करांगे, अपने दुख शेयर किए ने, चलो अच्छी गल है, इन्होंने की रिस्पोंस दिता है, तुसी कित्था तो करनी है? अच्छा सर मेरे सारे सेमेस्टर क्लियर है पर 4th विच रीपेयर आई है, फिर मैं रीवैल्यूएशन फिल की है, हुण मेरी एडमिशन किद्दां होएगी? हाँ तुसी थोड़ा जा टेंशन वाली गल हो सकती है जे रिजल्ट लेट हुंदा है, इसलिए तुसी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लो, मैं पुछदांगा जे मैनू कहोगे तो कॉन्फिडेंशियल किस तरह मिल सकता नहीं मिल सकता, पर हाँ इवैल्यूएट होया होना चाहिए है फिर ही कॉन्फिडेंशियल मिलता है। एक बार यूनिवर्सिटी विजिट कर लो तो अच्छी गल है, उतों कलैरिटी हो जाएगी कि किन्नी जल्दी तुहाडा रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो इनक्वायरी तो मैनू दस दो, जां खुद इनक्वायरी ते फोन करके पुछो कि तुहाडा केस ये है। सर मेरे कोल BA विच हिंदी सोशियोलॉजी हिस्ट्री है, सो ये तुहाडा सोशियोलॉजी ते हिस्ट्री सी SST बन गया, बिल्कुल ठीक है, हिंदी आपका बन गया माइनर बन गया। सर मेरे SST कॉम्बीनेशन बनता है या नहीं? बनता है, बन गया तुहाडा, बिल्कुल है PSTET CTET लई। अच्छा ये लड़की ने पूछा सीगा, ये लंबी ते पूरी वीडियो बनेगी, हाँ अलग तो वीडियो दिना हाँ कि SST PSTET ते उहदे नाल की संबंध है, ये तुहाडा अलग कॉम्बीनेशन बन गया है। CTET PTET ना कुछ
सीटेट पीटेट ने किसी ने नहीं पूछना, तुम उस एक स्ट्रीम ऑप्ट करनी है एस एस टी जां तुहाडे मैथ साइंस है जिद 60-60 क्वेश्चन होंगे हैं, तो वह स्ट्रीम तुम जी मर्जी जो ऑप्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण यह है कि तो जड़ा तुसी ओही चूज करोगे जो तुसी ग्रेजुएशन पढ़िया है, जो पढ़िया नहीं है वो चूज ही किदा करोगे। सो उदा उदे नाल इस तरह का संबंध नहीं है कि इत्थे पढ़िया नहीं है तो इत्थे पढ़िया होवे, नहीं, ये अलग एलिजिबिलिटी है। सोशियोलॉजी हिस्ट्री है 13 सोशल साइंसिज, 9 सोशल साइंसिज पंजाब गवर्नमेंट दियाँ, 4 सोशल साइंसिज स्कूल दियाँ, है ना, ये क्राइटीरिया अलग ने। सो ये उदे नाल कोई संबंध नहीं है। मैं अलग तो डिटेल ना समझाना तुहानू, सर मैं बहुत कन्फ्यूज हाँ क्योंकि सर मास्टर कैडर च ओनली हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पोलिटिकल, नहीं 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 इस तरह नहीं है, बिल्कुल गलत। मैं मेरे ही PhD के स्टूडेंट जहाँ के मास्टर कैडर के क्लीयर होए ने उन्होंने गल करके कन्फर्म किया है कि तुहानू जदों तुसी एलिजिबल हो, तुसी BEd कर चुके हो, टेट क्लीयर कर चुके हो, मास्टर कैडर चाहना है, तुहानू इन्हां दोनों चो दो सबजैक्ट फिर चूज करने पैंदे है। वो तुसी पढ़े हैं नहीं पढ़े कोई लेना देना नहीं है। नैचुरली तुसी जे नहीं पढ़िया, मान लो हिस्ट्री पढ़िया है, उधरों रिलीजियस स्टडी पढ़िया है, तो तुसी अपना पोलीटिकल साइंस की तैयारी कर लो, हिस्ट्री तो पोलीटिकल नू चूज कर लो मास्टर कैडर च। इस डिटेल च भी समझा दांगा, वैसे नॉर्मली सारी गल मैं समझा दिती है, पर सर फिर मैं सोशियोलॉजी नाल किवें करा, नहीं करोगे राजे नहीं घबराना, बिल्कुल ठीक है, तुसी ठीक चल रहे हो, नहीं तुसी इनफॉर्मेशन गलत लै रहे हो, टेंशन नहीं लैनी। सर साडा 6th सेम का रिजल्ट, हाँ ये तुसी गल हो चुकी है, तुहानू वेट करनी पेगी सैकेंड काउंसलिंग दी, फिर सर जां ईमेल करके यूनिवर्सिटी नू दस सकते हो। सर असी BEd विच एडमिशन लैनी है, बाद च TET दे सकते हाँ, बाद च दे सकते हैं, जां फिर BEd कंप्लीट करन दे बाद। अभी मैंने पाया नहीं है एक क्वेश्चन पाया है, इहदा मैं वीडियो पा दिना है कि कदों तुसी पेपर दे सकते हो, हुण ही दे सकते हो तुसी। सर मैथ इंग्लिश मेरे सबजैक्ट मेजर ये हो चुका है, सर मैथ PSTET वीडियो प्लीज़, हाँ ये भी बना दाँगा। 19 नूं कहिंदे ने प्रोविजनल मैस्ट मैरिट लिस्ट आएगी, असी कॉलेज का नाम भरिया है, उसका नाम आऊगा कि है ना, जे नहीं आएगा तो की होएगा, नाले जिस कॉलेज दे विच एडमिशन लेनी उसका फॉर्म फिल करना होएगा। सिंपल है कि जे तुहाडा नाम उस कॉलेज विच नहीं आया से सैकेंड काउंसलिंग फिल करोगे, जे सैकेंड च भी नहीं फिल आंदा हुंदा तो फिर थर्ड विच यूनिवर्सिटी कह दिंदी है कि मैरिट बना के कॉलेज खुद एडमिशन कर सकता है जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिता है। एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिता उन्होंने मैनेजमेंट कोटा च है, उस तो बाद वाले बचते हैं उन्होंने एडमिशन नहीं मिलेगी। सो तुसी एंट्रेंस टेस्ट दिता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप तुहानू मिल जाएगी। हाँ थर्ड काउंसलिंग तक हो सकता है कि वेट करनी पवे, फिर तुसी कॉलेज जाने हो, कॉलेज अपना हाँ फॉर्म भरवाता है, उत्थे जाके फिजिकली हुंदा है, तुहाडे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुंदे हन। सो उत्थे दी है अलग, तो वीडियो पाया भी है, मैं दोबारा पा दिना हाँ, इस दस दिना हाँ। सर प्लीज़ इसका रिप्लाई जरूर करो कि इस जिहड़े कैंडीडेट दे ग्रेजुएशन विच परसेंटेज घट है पर एंट्रेंस टेस्ट विच वध है, उसनू फर्स्ट काउंसलिंग च एडमिशन मिल सकती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाय रब्बा मेरी गल सुनो, तुसी ये तो दस्या ही नहीं है कि ग्रेजुएशन जो घट है, सिर्फ सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट दे बेस ते मैरिट बननी है राजे। एंट्रेंस टेस्ट तुहाडे 130 तो आए नहीं, किसी दे 20 आ गए, है ना, किसी दे 110 आ गए, है ना, किसी दे 90 आए है, हुण 120 जिहदे है वह उहदे भावें ग्रेजुएशन चो 50% ही मार्क्स ने, इन्हां दे भावें 70% मार्क्स ने, इन्हां नू प्रैफरेंस मिलनी है जिहड़ां दे एंट्रेंस टेस्ट चो ज़्यादा स्कोर ने, ठीक है। हाँ घबराना नहीं है। सर गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर च मैथेमैटिक्स मेजर सब्जैक्ट नहीं है, सर प्लीज़ रिप्लाई। सुरा जी कुछ नहीं हो सकता, जे उन्हां को सब्जैक्ट नहीं है दैन यू हैव टू शिफ्ट टू प्राइवेट कॉलेज और कॉम्प्रोमाइज विद यूर सब्जैक्ट, बट आई विल नॉट सुजैसट दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज विद यूर सब्जैक्ट, कॉम्प्रोमाइज विद कॉलेज एंड प्रैफर यूर सब्जैक्ट्स विच मे लीड यू टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब, ओके। सो प्लीज़ प्रैफर यूर सब्जैक्ट। बाकी तुसी अपना गल करके मेरे नाम पूछ सकते हो कि है। हेलो सर मैं BSc इकोनॉमिक्स है, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव, हाँ इन्होंने फोन पर बहुत वाल गल हो गई है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी क्वांटिटेटिव टेक्नीक हूँ नहीं दे रही, कल फिर एक बार मैं कन्फर्म करके तुहानू दस दाँगा। सो अपनी कई बार गल हो गई है, मेरे ख्याल च नहीं जरूरत
दूसरा ये है कि तुसी फिल कर दो, आपा जब तक पता कर लेंगे। सेकंड काउंसलिंग भी पई हुई है पर तुसी थोड़ा घबरा जाते हो, दैट इज़ वाई मैथ अडिशनल तुहानू देना ही पैना है। क्वांटिटेटिव टेक्निक है, अडिशनल हर हालत विच मैथ दा देना पएगा तुहानू, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी क्वांटिटेटिव टेक्निक नू नहीं मनदी, मैथ्स नहीं मनदी। हाँ, जां इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लेना पैंदा है। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट ये कर सकते हैं तुसी। एक होर आइडिया है कि तुसी RTI पा सकते हैं कि जिहड़ी क्वांटिटेटिव टेक्निक है मैथ्स दे बराबर है, उस डिग्री दे बराबर है। जे तुहानू भरम माड़ा मोटा लगता मैथ भी हो सकता तां पाइओ, जे पक्का पता नहीं है फिर रहन दिओ। सो ये मैं मैडम तो पता करके ना, मैडम दा नंबर है, कल फोन करके तुहानू पता कर दांगा। सर जी, BEd एंट्रेंस टेस्ट फिल करन लग्गिआं 12वीं दे मार्क्स, कोई गल नहीं है, इन्नी वड्डी गलती नहीं 12वीं दी, है ना, वड्डी गलती, क्योंकि 12वीं दे बेस नहीं है, ग्रैजुएशन दे हुंदे फिर गलती सीगी, नाले वो प्राइवेट कॉलेज होया उसने कुछ कहना ही नहीं है। सर, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट किदा आएगा, मैं कल पता कर दांगा। इन्हें काफ़ी है मेरे ख्याल, थैंक यू।